हेलो दोस्तों, दिस इज शालमली और डैफ्टी गेम्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ताकि आप हमारे सारे इनोवेटिव DIY वीडियोस देख सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है और हर कोई अपने अपने तरीके से इस मौसम को एंजॉय करता है। मैं कैसे करती हूँ? आई जस्ट लाइक टू सिट एट होम एंड एन्जॉय द रेनी सीजन विद अ कप ऑफ हॉट टी। और इस बारिश और मेरी गर्मा गर्म चाय को एन्जॉय करने के लिए कुछ कम्फर्टेबल सीटिंग भी तो चाहिए, राइट? And that's what today's video is going to be about. So, मेरे फ्रेंड के पास ये दो ब्यूटिफुल केन चेयर्स थे उसके पुराने घर में, which he didn't want to use anymore. So, he asked me if I would like to have them, and I said absolutely yes. They are a bit old and rusty, but that's the beauty of thrifting, right? So what I'm going to do is I'm going to make some beautiful handmade cushions for these. So we start by measuring the seating area. So ye ek proper square bhi nahi hai, it's kind of like a trapezium shape. So ye aata hai about 17 inches to 15 inches. Thoda 1 inch extra leke for the stitching. Please ignore the passing entry of the little one in the background. Once you're done taking the measurements, हम लोग हमारा कपड़ा ले लेंगे। I have taken this beautifully bright yellow color and we just measure out the measurements on the cloth. Measurements लेने के बाद हम लोग उसे properly काट देंगे। और इस कटआउट के हेल्प से हम और 3 पीसेस कट करेंगे। So we'll need 2 for each chair. और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने measurements थोड़े ज़्यादा लिए हैं. That is just so I have some extra to cut. So एक साइड में opening छोड़ के हम लोग तीनों साइड stitch कर देंगे. But first we'll just stitch one side and move on. So मैंने 1 inch gap छोड़ के सिलाना start कर दिया है. I've kept that aside and I've moved on to the strips. तो हमें एक नैरो कपड़ा लेना है एंड वी हैव टू कट 8 स्ट्रिप्स ऑफ इट। इसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू अटैच ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कुशन टू टाई अराउंड द चेयर। सो इट डजंट हैव टू बी वेरी लॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर चेयर। सो ऑल माई स्ट्रिप्स आर कट। नाउ विल टेक ईच स्ट्रिप एंड उसे हम लोग ऐसे वर्टिकली हाफ फोल्ड कर देंगे एंड विल स्टिच अलॉन्ग द एज। तो मैंने स्ट्रिप को सिला दिया है। नाउ आई जस्ट हैव टू इन्वर्ट इट। नाउ सिंस दिस इज़ वेरी थिन, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे 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 करके ये ज़रूर हो जाएगा। इसे आप पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हैं, इट इज़ मच ईजियर दैट वे। तो ये मेरी इन्वर्टेड स्ट्रिप रेडी है एंड यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस विद द रिमेनिंग 7 एज वेल। अभी इस हर एक स्ट्रिप के ऊपर हम लोग एक प्रेस बटन सिला देंगे। Now let's bring back our main body of the cushion, जो हम लोग ने एक साइड से सिला दिया था। सो वी ओपन इट आउट एंड एज यू कैन सी, मैंने बॉटम में थोड़ा सा एक गैप छोड़ दिया था, वहां पे विल बी प्लेसिंग दिस स्ट्रिप। Once you place the strip properly, उसे हम लोग properly stitch कर देंगे between these two cloths. So सीधा होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। So ये same process हमें बाकी तीनों side में भी करना है। और ये मेरा पूरा सिला के हो गया है।
और एक छोटा सा मैंने ओपनिंग रखा है ताकि मैं इसे इन्वर्ट कर सकूं। एंड इस तरह से हमारा कुशन कवर रेडी है एंड इट इज लुकिंग सो प्रिटी। अभी बस इसे भरने की बारी है। सो फिलिंग के लिए मैं अपनी एक पुरानी कुशन ले रही हूँ विच आई डोंट यूज एनीमोर और इसका मैं पूरी तरह से चीर फाड़ करने वाली हूँ। और चीर फाड़ करना शुरू करते हैं। So just make sure that all the fibers are separated so that they are nice and fluffy when you fill it. तो मैंने अच्छी तरह से इसे fluff out कर दिया है। Now let's keep that aside and bring in our cushion cover. अभी सबसे सिंपल काम, बस इसे भरते जाओ until you have reached the desired amount of fluffiness that you want. एक बार ये पूरी तरह से फिल हो जाए, ये जो गैप है हम इसे सिला देंगे। For the last step, जो second half of the press button रहता है वो हम at the end of the strip, the other end of the strip हम इसे stitch on कर देंगे। And our fluffy, fluffy, beautiful little cushion for our chair is all ready. Well, now let's go and see if it fits. So cushion को seat पे रख के हमारे जो strips है उसे chair के लेग्स के अराउंड ट्वर्ल करके हम लोग प्रेस बटन के हेल्प से अटैच कर देंगे। और सिंस ये कुशन्स डिटैचेबल है, हम लोग इसे चेयर के बैक पे भी अटैच कर सकते हैं लाइक दिस, सो इट इज अ नाइस कंफर्ट टू योर बैक आल्सो इफ यू वांट। ऑल डन and I'm quite happy with the end result. Wasn't this an extremely easy thrift flip? Well, now I can enjoy the rains, sipping my hot cup of tea, coffee or cocoa, just sitting on this beautifully thrifted chairs with the comfortable cushions. So, if you like this video, do give us a big fat thumbs up and don't forget to subscribe to our channel. Until next time, this is Daphne Deems, signing off.